काजगढ़ चुंगी चौकी स्थित दुकान को लेकर किरायेदारों और मालिक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद किरायेदार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अवैधानिक रूप से दुकान खाली कराने की शिकायत दर्ज कराई। सुनील गौतम ने एसपी सिद्धार्थ बोगुड़ा को शिकायत देते हुए बताया कि पिछले 40 वर्षों से वे चुंगी चौकी में किराए की दुकान में जनरल स्टोर संचालित कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पूर्व प्रहलाद सोनी ने उक्त दुकान अरुण रावत से खरीद ली है। दुकान खरीदते ही प्रहलाद ने अभद्रता करते हुए दुकान का लेंटर और दीवार तोड़ दी, जिससे लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। दुकान संचालक का कहना है कि वे सालों से दुकान पर काबिज होते आ रहे हैं और इस प्रकार से दुकान खाली कराना गलत है। जी भैया, मैं सुनील कुमार गौतम, गौतम जनरल स्टोर का संचालक हूँ। मेरी दुकान पे अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई 23/11 को और मैंने कंप्लेन FIR करवाई है। अभी एडिशनल SSP के पास भी दिया हुआ है आवेदन और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज भी जो अपराधी हैं खुले घूम रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, खाली करने की धमकी। कौन लोग हैं वो लोग? प्रहलाद सोनी, प्रहलाद ज्वेलर्स वाले हैं। कहाँ का मामला है ये? काजगढ़ चुंगी चौकी के पास हमारी दुकान है और काजगढ़ पे ही उनकी भी दुकान है। गौतम उनकी प्रहलाद ज्वेलर के नाम से दुकान है। प्रहलाद सोनी पिताजी का नाम छोटे लाल सोनी है और जो कि ये कृत्य कर रहे हैं और मैं परेशान हूँ और मेरे को जान मान धन सबकी हानि हो रही है। रात को मुझे दुकान में सोना पड़ रहा है, मेरी दुकान की दीवार तोड़ दी गई है।